হব। সোনু নিগমে ভেস আগ বড়াই আছে, আমি সোনু নিগমের ভেস পাইছো। बहुत भावुक सा समय है। खुशी तो हो रही है कि पूरे देश में, पूरे देश नहीं दुनिया भर में जहाँ जहाँ सनातन धर्म फैला हुआ है वहाँ वहाँ एक हर्षोल्लास का उत्सव है, महोत्सव है, जो लहर है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसको देख पा रहे हैं। हमें ईश्वर ने चुना है एक ऐसे युग में पैदा होने को जहाँ इतना बड़ा एक टर्न ऑफ इवेंट हो रहा है और हम इसको देख पा रहे हैं। और मैं तो उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसे आमंत्रित किया गया है। एक आम देशवासी जो आमंत्रित भी नहीं हुआ है वो भी अपने घर में पटाखे जला रहा है, लाइट जला रहा है, दिए जला रहा है। हमारे घर में हमने अपने, मैं तो हूँ नहीं घर में, लेकिन मेरे घर में अभी हमने कल से रात से लाइटें लगवा दी हैं जैसे हम दिवाली में लगाते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और अंदर से थोड़ी भक्ति का भी अनुभव हो रहा है, भावुक भी अनुभव हो रहा है और एक अलग किस्म की एनर्जी ऊर्जा है हमारे अंदर। भाग्यशाली मान रहे आमंत्रित होने पे, कई लोग हैं जो आमंत्रित हुए लेकिन फटका आतशबाजी फुटुआ और फटका आतशबाजी केवल अयोध्याते नहयो फुटुआ গুৱাহাটীতো কালি নিশাৰ ভাগত পতাকা আতচবাজি ফুটোৱাৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। এয়া ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে সকলোৱে দীপান্বিতাৰ আয়োজন কৰিছে। 500 বছৰৰ বনবাস আছিল শ্ৰীৰামৰ আৰু 500 বছৰৰ বনবাসৰ অন্তত ৰাম পুনৰ এনেধৰণে অযোধ্যালৈ উভতি আহিছে বুলি সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে।